पर टाइगर की वार्निंग कॉल आ चुकी है। हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं और अभी जिप्सी को काफ़ी तेज़ मोशन के साथ ले जा रहे हैं टाइगर की साइड पर, जहाँ पर टाइगर दिखाई दे सकता है। वहीं पानी का स्रोत है, ये पीछे देख पाएंगे आप, ये पानी का स्रोत है पीछे की भी साइड, और यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत सारे, देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, टाइगर यहाँ पर दिखने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। रणथंभौर नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रणथंभौर नेशनल पार्क में टोटल नंबर ऑफ जोन्स 10 है, 10 जोन है यहाँ पर, जिनमें हमने कई बार वाइल्ड लाइफ सफारीज की हैं, और उन सभी सफारीज के दौरान हमें टाइगर और अदर वाइल्ड एनिमल्स की काफी अच्छी साइटिंग हुई, और उन सभी सफारीज की बेस्ट साइटिंग को अब हम एक साथ देखने वाले हैं। तो आज की ये वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने वाली है, जो कि इससे पहले शायद आपने एक्सपीरियंस न किया हो। हेलो, तो आइए हमारे साथ चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के लिए। सो इन द फ्रंट यू कैन सी देयर इज अ वेलकम गेट, सो दिस इज द नेचुरल वेलकम गेट, दिस इज अ बेनियन ट्री। ये देखिए यहाँ पर अभी अलार्म कॉल आई है, बहुत तेज़ी से हम जा रहे हैं इस अलार्म कॉल का पीछा करते हुए उस डायरेक्शन में जहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर हम सभी टाइगर के पग मार्क्स को फॉलो करते हुए टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पग मार्क्स दिख रहे हैं, सुबह के हैं, सुबह गाड़ी की। ये देखो बहुत अच्छे से पग मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मेल टाइगर है, मेल टाइगर के पग मार्क्स हैं यहाँ पर पूरे रास्ते में। अच्छा, सुबह के हो? सुबह के, अभी गया है जो अभी में, सुबह भी थे और अभी भी हैं। अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो अभी मूवमेंट करा रहे हैं। थोड़ा सा एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि चिड़ियाघर में, किसी जू में, बायोलॉजिकल पार्क में आपको आसानी से टाइगर या कोई भी वन्य जीव देखने मिल जाता है, लेकिन इन द फॉरेस्ट सफारी आपको ये देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा एक्चुअल में। इस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ता है कि टाइगर या लेपर्ड या फिर कोई भी जंगली जानवर जिसको आप स्पॉट करना चाहते हैं वो कहाँ पर है, बिकॉज द जंगल इज टू बिग एंड वी हैव टू फाइंड विच वाइल्ड एनिमल विच वी वांट टू विजुलाइज। टाइगर आ रहा है यहाँ पर, एकदम से नज़र पड़ी, लेटा हुआ है टाइगर वहाँ पर पीछे, देखिए अभी सभी ने देखा है यहाँ पर पीछे, जस्ट पीछे जा रहे हैं टाइगर एक साथ, देखिए यहाँ लेटा हुआ टाइगर लेटा हुआ है, जस्ट देखने वाले। और ये देखिए, ये रहा टाइगर, जस्ट पानी के पास में है, हम इसे काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं। और अब इस टाइगर को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी और भी जिप्सीज आती जा रही हैं, काफ़ी सारे कैंटर्स भी यहाँ पर आते जा रहे हैं, और ये टाइगर अब खड़ा हो चुका है यहाँ पर। अब ये देखिए स्ट्रेचिंग करते हुए टाइगर को, बहुत ही खूबसूरत पोज। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा अपने कैंटर को, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर प्रॉपरली हम इसको देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए टाइगर बहुत ही दबे पांव चलता जा रहा है, जैसे कि किसी शिकार की तलाश में हो। बहुत धीरे धीरे ये वॉक कर रहे हैं यहाँ पर देखते हुए इधर उधर, शायद ये शिकार की तलाश में है। यहाँ पर एक और टाइगर है, जस्ट उसी के पास ही टाइगर जाता जा रहा है, शायद ये फीमेल टाइगर्स है, और ये अभी एक मेल टाइगर के पास जाती जा रही है। यहाँ पर एक मेल टाइगर है, थोड़ा सा आगे की ओर है, ये टाइगर्स जो है उसी की तरफ मूव करती जा रही है। मेल टाइगर इतने अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पा रहा, लेकिन टाइगर्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। यहाँ पर टाइगर्स मेल के पास जा रही है, और ये रहा मेल टाइगर, जस्ट यहीं पर है, थोड़ा सा वुडी पार्ट के पास है, थोड़ा सा एक फोकस जोन हमको मिले यहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है मेल टाइगर, जस्ट इस वुड्स के यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर नीचे की ओर ये मेल टाइगर है, और ये फीमेल टाइगर इस मेल के पास जा रही है। यहाँ पर मेल फीमेल टाइगर एक दूसरे को सेंस कर रहे हैं थ्रू टच।
जंगल सफारी एक बहुत ही ओरिजिनल और एक बिल्कुल एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है जंगल का, क्योंकि ये जंगल पूरा का पूरा रिजर्व फॉरेस्ट होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का जंगल के साथ छेड़छाड़ अलाउड नहीं होती। यहाँ पर जो जानवर हैं वो अपने नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, जो ट्रीज़ हैं वो अपने नेचुरल कंडीशन में रहते हैं। तो हम इस चीज़ का बिल्कुल प्योर एक्सपीरियंस ले सकते हैं जंगल सफारी के दौरान। यहाँ पर जो जंगली जानवर है वो ज़ू की तरह नहीं रहते, ज़ू में तो उनको जो प्रेडेशन है उनका जो खाना है उनको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर शिकार किया जाता है जंगली जानवर द्वारा, जैसे कि टाइगर है, लेपर्ड है, अपना खुद का शिकार खुद करते हैं। दिस इज द लेक नोन एज पदम तालाब। नाउ यू कैन सी द लॉट्स ऑफ क्रोकोडाइल ऑन द आइलैंड। हाँ सही में दिख रहे हैं। हाँ। ये देखो ये रहे क्रोकोडाइल्स। आवाज नहीं करनी है। दीज आर द क्रोकोडाइल्स। ये देखिए मगरमच्छ यहाँ पर आपको आइलैंड पे नजर आ रहे होंगे इस तरह के। ये देखिए काफी सारे क्रोकोडाइल्स हैं, हम काफी दूर से देख रहे हैं इनको। ये देखिए ये जो आइलैंड है यहाँ पर देखिए ये हैं क्रोकोडाइल्स। 1, 2, 3, 4, 5 और भी हैं, काफी छोटे तो दिख ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी टाइगर की वार्निंग कॉल सुनाई दी, टाइगर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक टाइगर दिखाई दे रहा है, हमें थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि शोर नहीं कर सकते अदरवाइज ये भाग जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, वैसे थोड़ा हमसे दूर है लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये है टाइगर, रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान हम इसे देख पा रहे हैं। देखिए टाइगर जिप्सी की ओर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर इन्हें किसी तरह से डर नहीं लगता, किसी जिप्सी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी ह्यूमन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिल्कुल हैबिचुअल हो चुके हैं ह्यूमंस और जिप्सीज़ के, यहाँ पर जिप्सीज़ आए उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुनिए आपको जंगल के बारे में बताता हूँ मैं। जंगल जो है यहाँ का पूरा 1700 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन टूरिज़्म को जो ओपन किया है वो 20% एरिया है, 400 स्क्वायर किलोमीटर, जो यहाँ पर 10 जोन में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए पानी पीते हुए नीलगाय, ये देखिए नीलगाय पानी पीते हुए, ये मेल है और ये सांबर डियर है मेल। अच्छा ये मेल सिंग की वजह से ना, सांबर डियर होते हैं इनके, नए सिंग आ रहे हैं, नए बच्चे हैं ये भी। अच्छा पानी पी रहा है ये भी, बहुत अच्छा सा सीन है, पानी के पास सांबर डियर और ये नील गाय। ये इंडियन गजल है चिंकारा, ये बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, टाइगर इन्हें पकड़ नहीं सकता, लेपर्ड पकड़ सकता है इनको। लगभग 1 घंटा हो चुका है और ये टाइगर अभी उसका टीवी पे लेटे हुए हैं, 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस वेट ये कर रहे हैं कि ये उठे हम इनको देखें। लेकिन यहाँ से जो परछाई दिख रही है बहुत अच्छी लग रही है। हाँ एक और बच्चा, एक और टाइगर पीछे बड़ा वाला, ये बड़ा वाला टाइगर भी मूवमेंट करना चालू हो गया। वो भी पीछे हैं, वो भी मूव करेंगे। हाँ ओह कॉल आई उधर से, स्पॉटेड डियर की कॉल आई है, पूरा टाइगर वहाँ मूव करते हुए। टाइगर हफ्ते में एक बार शिकार करता है। अच्छा ऐसे बड़े सामर डियर या नील गाय को उसने शिकार कर लिया तो 2-3 दिन उसको खाएगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन उसको पचाएगा। अच्छा पूरा अपना एरिया में घूमेगा। अच्छा में उसके बाद फिर शिकार करेगा। अच्छा डेली नहीं करता, ज्यादातर शिकार करता है बड़े एनिमल का, जैसे सामर डियर या नील गाय जो 150-200 किलो वेट हो, ताकि अच्छे से वो भोजन मिल जाए उसको। बहुत मोटा टाइगर यही आ रहा, देखो वाह मैं कह रहा हूँ ये पानी पी रहे, पानी कितने का टाइगर उठा रहे, पानी।
भाई टाइगर पानी पीते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा सा सीन आगे ले लीजिए। वाह 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 आप आ जाओ सर आप आ जाओ टाइगर पानी पी रहा है यहाँ पर आ जाओ अंदर अंदर देख के इसको। अभी जिस वाटर सोर्स में टाइगर पानी पी रहा है ये एक आर्टिफिशियल वाटर सोर्स है जो कि सोलर पावर की मदद से फिल होता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये वाटर होल्स बनाए जाते हैं जंगल में, कई सारी जगह पर इस तरह के वाटर होल्स हैं ताकि गर्मियों के दौरान जब जंगल में पानी की कमी हो तो जंगली जानवरों को यहाँ पर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना आए, उन्हें ईजिली पानी अवेलेबल हो जाए। इस तरह के यहाँ पर ये सोलर पावर जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। ये उठ रहा है, उठ गया, काफ़ी देर तक पानी पिया इसने, अभी यहाँ पर ही उठ गया। ये वॉक करने लग गया यहाँ पर, ये देखिए वॉक करने लग गया यहाँ पर। हम यहाँ आगे चल रहे हैं, हम इसको थोड़ा फॉलो करेंगे यहाँ पर, फॉलो करते हुए। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। वाओ, वी आर सीइंग द टाइगर इन फ्रंट ऑफ अस। सर अभी हम टाइगर की स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे ढूंढ रहे हैं हम टाइगर को, किस तरह से तरीके होते हैं कि हम टाइगर को ढूंढ सकते हैं जंगल में? देखिए जंगल में जैसा कि आप जानते हैं जंगल में टाइगर अकेले रहते हैं जी, टाइगर को झुंड में रहना नहीं पसंद है जी। तो टाइगर सिर्फ झुंड में दो चार टाइगर एक साथ तब दिखाई देंगे जी जब या तो माँ के साथ बच्चे होंगे जी या मेल और फीमेल साथ होंगे जी जी, उससे अधिक टाइगर ज़्यादा साथ दिखाई नहीं देते जी जी। इसलिए अब अकेले अकेले टाइगर को जंगल में ढूंढना एक अपने आप में मुश्किल काम है जी। तो ऐसे में दो तरीके हैं जी, एक तो है कि आप जंगल में टाइगर के पैर के निशान देखते हो जाइए, पैर के निशान जहां आपको ताज़ा दिखाई देते हैं उस जगह के आसपास जहां वो गायब हो रहे हों उसके आसपास टाइगर के होने की संभावना होती है जी। दूसरा तरीका है कि जंगल में जब टाइगर कहीं भी होता है और अगर उससे कोई भी दूसरा जानवर देखता है जी जिसकी जान को टाइगर से खतरा है जी, वो जानवर एक अलग आवाज़ करता है जी, उसे वार्निंग कॉल कहते हैं, वो सबको बताता है कि भाई यहाँ पर टाइगर आ गया, अलर्ट करता है। तो उस कॉल को सुन के ही आइडिया लगाया जा सकता है कि बाघ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ही तरीके हैं। यहाँ पर कॉल आई है, जस्ट अभी हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा टाइगर, बहुत ही पास में आता जा रहा है, बहुत पास से हम इसको देख पा रहे थे। बहुत ही हेल्दी सा टाइगर है, बहुत हेल्दी टाइगर है। वाओ, इतना पास में हम इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही पास में आ चुका है, बहुत हेल्दी टाइगर है, बहुत मोटा सा है। ये देखिए यहाँ पर इसकी टेल को इसने ऊँचा किया अभी, और अब ये जाता जा रहा है जंगल के अंदर। कहाँ पानी ऊपर ही है, ये देखिए जंगल के अंदर जाता जा रहा है, ये जंगल के अंदर, और ये गया। देखो अभी अपन गाड़ी चल रहे हैं और अक्षात मात कोई टाइगर इधर से निकला तो क्या कहेंगे, ओ टाइगर के पास गाड़ी लेंगे। हाँ हाँ हाँ, यही बोलते हैं लोग, यही बोलते हैं। हम यहाँ खड़े हो गए, हमको वहाँ टाइगर दिखा, ठीक है, एक साथ सारे लोग लाइन में आए, आगे लाइन लग गई। अब टाइगर चलते चलते यहाँ गया, गाड़ी पीछे निकल गया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? सही बात है। अगर उसको हमसे पानी भी नहीं पहुंचा, हमसे परेशानी थी तो वो क्यों आया छाती में चढ़ के, भाग जाता हूँ वो चला गया यहाँ से कहीं और। अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ओके, टाइगर उधर से आया, उधर डियर भी खड़ा है, अब टाइगर ने वहां से दौड़ लगाई डियर के पीछे, अब हम उसके बाजू में है यहाँ, मीडिया उस वीडियो को लेके, अरे ये देखो टाइगर गाड़ी के पीछे भाग रहा है। अरे भाई हम रोज आते हैं, मुझे 25 साल हो गए यहाँ आते हुए, अगर टाइगर मेरे पीछे भागता तो मेरी हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की दोबारा, समझ रहे बात? सही बात है। मुझे अब तक खा चुका होता 10-20 जगह, आपको मेरे ऊपर स्क्रैच नजर आते, मैं सुरक्षित हूँ ना अभी तक। टाइगर पीछे नहीं भागता, कोई किसी के पीछे नहीं भागता, सब बुरा मुझे चल रहा है यहाँ। पर्यटक को अगर हानि पहुँचाते टाइगर तो आप लोगों को ऐसी खुली गाड़ी में कौन आने देता है, खुली गाड़ी में कौन भेजता? तो सही बात है, अगर टाइगर आ रहा है तो आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, इसमें हमको क्या दिक्कत है कि टाइगर को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, नहीं टाइगर मतलब को कोई दिक्कत नहीं तो हाँ, लोगों को नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे तो उल्टा इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। सही बात। ये देखिए मोर यहाँ पर काफी सारी मात्रा में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये मोर तो फ्लाइट करते हुए गया, उड़ते हुए गया, और यहाँ बहुत ही सुंदर सी, यहाँ देखिए अभी आपको मैं बहुत पास से जो मधुमक्खियाँ वो दिखाऊंगा, ये देखिए बहुत पास से,
और ये जो इलाका है बहुत ही सुंदर ग्रीनरी से भरा हुआ है। टाइगर लव दिस कोल्ड प्लेसेस टू लाइव, यहाँ पर टाइगर दिखना बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडाई है जो कि टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। क्या टाइगर बैठा है, वाह इतना बड़ा टाइगर, देखिए यहाँ पर मेल टाइगर पानी में बैठा हुआ है। वाह देखिए टाइगर पानी में बैठा है यहाँ पे, ये देखिए वो टाइगर रहा पानी में, बहुत मेल टाइगर है सर। हाँ मेल है, मेल टाइगर। क्या नाम है इसका? 121। अच्छा ये देखिए मेल टाइगर 121, काफ़ी अच्छा सा नज़र आ रहे हैं आप। टाइगर को ठंडी प्लेसेस पसंद है रहने के लिए, बॉडी ठंडी कर रहा है। कहीं से चल के आया होगा ये? अच्छा पहाड़ी पर से उतर के यहाँ पानी में आके लेट गया। बहुत ही क्लोजअप में देखें, कान हिला रहा टाइगर, एक स्क्वेरल भी उसके पास में और कुछ बर्ड्स वगैरह भी हैं। सर एक क्वेश्चन है कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट में सफारी है वो जंगली जानवरों को डिस्टर्ब करती है, प्रॉब्लम करती है, तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? ये गलत है। देखिए मेरे हिसाब से जी जो ये रोड है जी आप देख रहे हैं जी, ये रोड सीधा रोड है जी जी, अगर किसी को इससे डिस्टर्बेंस है जी तो वहाँ क्यों नहीं चला जाता है? सही बात है, वो यही क्यों बैठा है? सही बात है, पूरा इलाका खाली है ना, इलाका खाली। तो टाइगर के पास इतना इनफ स्पेस है इस जंगल में जी, कि अगर उसे हमसे परेशानी है तो हमसे दूर चला जाएगा, वो हमारे पास ही क्यों घूमता है? सही बात, हमारे पास घूम रहा है इसका मतलब ये है कि उसको हमसे परेशानी नहीं है जी, जी। वो हमसे कंफर्टेबल है जी। और आप एक चीज देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में इतने जंगल हैं, टाइगर वही सुरक्षित है जहाँ पर्यटन है। जहाँ पर्यटक नहीं जा रहा है जरा जाके देखिए, वहाँ टाइगर की संख्या लगातार गिरती जा रही है, खत्म हो चुकी है। अच्छा, जहाँ पर्यटन चल रहा है टाइगर वहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टूरिज्म जो है टाइगर की संरक्षण के लिए आवश्यक चीज है, सपोर्टिव है, सपोर्टिव है, हमेशा हेल्प करता है, क्योंकि आपकी और हमारी इतनी सारी आंखें रोजाना देख रही हैं कि अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो एक दिन में नजर आ जाएगा। एक दिन में नजर, जिन जंगलों में कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ सरकारी तंत्र कैसा काम कर रहा है, कोई नजर रख रहा है कि नहीं रख रहा है, किसको पता है। देखिए यहाँ पर कई सारे मोर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो ये नाच रहा है, एक ये डांस कर रहा है, ये बहुत ही एपिक सीन है। इतने सारे मोर, इतने सारे लाइन से मोर, और आगे भी देखते हैं, ये देखिए आगे अभी मोर नाच रहे हैं, ये मतलब लाइन से चलते जा रहे हैं। पिकॉक फिर डांस करते हुए देखिए, पिकॉक डांसिंग, यहाँ देखिए बहुत ही पास से देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक और मोर डांस कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ तो मोर ही मोर है, हर जगह डांसिंग मोर दिखाई दे रहे हैं, और ये तो बहुत ही पास में, ये देखिए पूरा का पूरा एक डियर फैमिली है जो कि अभी पानी पीने जा रहे हैं। एक एक करके सारे हिरन आते जा रहे हैं, ऐसे देखे धीरे कर, अरे रे रे भागते हुए आ रहा है कुछ, तो पूरे डियर फैमिली जोर के जाते हैं तो रोटी नीचे। अच्छा देखिए जंगल सफारी के दौरान ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टाइगर ही यहाँ पर देखने मिले, और भी बहुत सारे जंगली जानवर आपको यहाँ दिखते हैं। जंगल सफारी के दौरान सबसे बड़ी एक्सपीरियंस की बात होती है कि आप जंगल में हैं, आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी जंगली जानवर कभी भी निकल के कहीं पर भी आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर सांबर डियर बैठे हुए हैं बहुत पास में, यहाँ देखिए कई सारे सांबर डियर बिल्कुल शेड में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर सा सीन है जो हम देख पा रहे हैं अभी। ये देखिए बहुत सुंदर सा सीन है सांबर डियर। टाइगर की लाइफ कितनी होती है अप्रॉक्स? लाइफ देखिए ऑन एवरेज जो लोग 15-16 बताते हैं जी, मगर जो है मेरे हिसाब से 15-20 के बीच में होता है। 15-20 के बीच, जू में और जंगल में अंतर होता है ना इनकी लाइफ? जू में और जंगल में अंतर होता है, कारण ये है कि जंगल में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है जी, जंगल में आपको फीड करने वाला कोई नहीं है जी, ठीक है। तो बुढ़ापे में जब आप ओल्ड एज हो जाएंगे तो शिकार नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आपको खाना कौन देगा जी, सही बात, तो आपके मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है, है। जबकि जू में आपको समय समय से खाना मिलता है जी, तो डॉक्टर भी मिलते हैं, बीमारी का इलाज करने के लिए सारी सुविधाएं मिलती है। अच्छा, तो ऐसे में आपका VIP ट्रीटमेंट हो जाता है, हालांकि वो जेल में है बट एटलीस्ट आपको जिंदा तो रख लेते हैं। ये देखिए बहुत सारे सांबर डियर, इतने सारे, और यहाँ पर पानी में भी देखेंगे तो ये बहुत सारे सांबर डियर हैं। अभी यहाँ पर गर्मी का टाइम है, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़े झुंड है, यहाँ पर पूरा का पूरा स्पॉटेड डियर का झुंड है। हम यहाँ पर आपको हर एंगल से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए बहुत ही सारे सांबर डियर
बहुत ही सारे, पूरा का पूरा यहाँ पर एक प्योर वाइल्ड लाइफ का सीन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हम टाइगर देखें, काफ़ी एक्साइटमेंट से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि टाइगर दिखेगा, तो चलते हैं उस जगह की तरफ। ये देखिए यहाँ पर टाइगर है, काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए टाइगर जस्ट सामने की ओर आता जा रहा है। ये देखिए, ओ यहाँ पर दो टाइगर है, अभी हम दो टाइगर को देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर से देख रहे हैं। ये देखिए दो दो टाइगर हम एक साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा साइलेंट होकर हम सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी सारी अलार्म कॉल और वार्निंग कॉल आ रही हैं, देखिए थोड़ा हम शांत होते हैं और उनको सुनने की कोशिश करते हैं। एक टाइगर उधर चला गया और एक यहाँ पर है। यहीं पर ये खड़ा हो चुका है, शायद किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। काफी सारे अलार्म कॉल वार्निंग कॉल आ रही है यहाँ पर। ये टाइगर काफी देर से यहीं पे खड़ा हुआ है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से मूवमेंट शुरू किया, काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है हमें टाइगर की यहाँ पर। टाइगर काफ़ी पास आ चुका है, एक टाइगर तो उधर की साइड चला गया जंगल में अंदर, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे से हम इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये भी जंगल के अंदर मूव करने को आया है, तो यहाँ पर टाइगर होने के चांसेस हो सकते हैं जिस एरिया के, और अब हम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ हो सकती है। यहाँ पर आप मेरे पीछे एक नज़ारा देख पाएंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफ़ी सारे जिप्सीज हैं, और यहाँ पर टाइगर सो रहा है, हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये देखिए टाइगर, ये सो रहा है टाइगर। ये देखिए ये टाइगर सो रहा है यहाँ पर। ये देखिए टाइगर, वाओ पीकॉक उड़ता हुआ जा रहा है यहाँ पे, नेशनल बर्ड उड़ता हुआ जा रहा है। ये देखिए नेशनल बर्ड और एनिमल, राष्ट्रीय पक्षी एक साथ, पीकॉक उड़ता हुआ गया है यहाँ से। वाओ वो ऊपर वाला भी टाइगर मूव कर रहा है, नीचे वाला बैठ गया, ऊपर वाला ने भी मूवमेंट करना चालू कर दिया है। ये देखिए दो टाइगर एक, ये चलना चालू हो गया। ये देखिए अंगड़ाई ले रहा है अभी तो, ये अंगड़ाई ले रहा है। वाह स्ट्रेचिंग पोज, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर पानी पिएगा टाइगर, देखिए पानी के पास जा रहा है, वहाँ पे बैठ गया वापस से वो। हाँ वो धूप आ रही थी तो अब छाया में जाके बैठ गया वो। ये देखिए काफ़ी सारे जिप्सीज जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, काफ़ी सारी मात्रा में, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर वेट कर रहे हैं टाइगर के मोमेंट का। देखिए अभी हम सभी साइटिंग कर रहे हैं टाइगर की, काफ़ी अच्छा सा सीन है, और देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेंगे जब तक टाइगर का मोमेंट शो हो जाए। जैसे जैसे सन की हीट आती जाएगी मोमेंट करेगा, मोमेंट करने के चांस बढ़ रहे हैं। एक नीचे टाइगर, अब लाइन से हम तीन टाइगर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक तो यहाँ नीचे लेटा हुआ है, देखिए ये जिस जो थोड़ा सा मोमेंट शो कर रहा है, ये एक है, ये दूसरा टाइगर है जो भी यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, और एक और टाइगर है यहाँ पर। यहाँ पर जस्ट स्टेप्स नज़र आ रही है उसके, ये देखिए स्टेप्स, हाँ ये रहा कैप्चर हो रहा है आपको यहाँ पर। इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पर आपको टाइगर नज़र आएगा, कुल मिला के तीनों एक ही सीध में। ये अभी पहला देख रहे हैं अभी हम, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये दूसरा है, और तीसरा देखेंगे
यहाँ पर ये पानी के पास ये लेटा हुआ। तीन टाइगर अभी हम यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। ये देखिए टाइगर ने मूवमेंट शो कर दिया यहाँ पर। ये देखिए ऊपर वाला जो काफ़ी देर से लेटा हुआ था बहुत ही अच्छे से मूवमेंट शो कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मूवमेंट। वी आर सीइंग द टाइगर इन फ्रंट ऑफ अस। ये देखिए काफ़ी बड़ा टाइगर है, चलते हुए जा रहा है। ये देखिए चलते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। ये पेड़ के पीछे जाके बैठेगा शायद, क्योंकि वहाँ पे छाया है। ये देखिए वहाँ पर जाके वो बैठ गया वहाँ पे, पंख फैला के यहाँ पर डांसिंग मोड पे। ये देखिए मोर का बहुत ही सुंदर सा सीन। यहाँ पे मोर एक साथ बोलने लगे। ये हैं कई सारे सांबर डियर एक साथ। एक तो यहाँ रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, ये देख रोड क्रॉस। ये रहा यहाँ पर, यहाँ पर टाइगर की वार्निंग कॉल आ चुकी है। हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं और अभी जिप्सी को काफ़ी तेज़ मोशन के साथ ले जा रहे हैं टाइगर की साइड पर, जहाँ पर टाइगर दिखाई दे सकता है। वहीं पानी का स्रोत है, ये पीछे देख पाएंगे आप, ये पानी का स्रोत है पीछे की साइड, और यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हो सकता है। जस्ट वी आर गोइंग क्लोज टू द टाइगर। हमारे सामने दो जिप्सीज हैं, यहाँ पर टाइगर हो सकता है। यहीं पर जस्ट 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 यहीं पर टाइगर हो सकता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जिप्सीज इकट्ठा हो चुके हैं, फोटोग्राफर्स तैयार हो चुके हैं और हम भी तैयार हो चुके हैं। बस टाइगर यहाँ पर आने वाला है। ये देखो ये टाइगर का यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, वो पूरा मूवमेंट दिख रहा है, मूवमेंट हुआ। ये देखिए मुंह दिखा, चुप रहना यहाँ पे, चुप रहना। ये देखिए कैमरे में, ये दिस इज वन, दिस इज द टाइगर, या यू कैन सी। यहाँ पर टाइगर है, जैसा कि गाइड सर को लग रहा था कि यहाँ पर टाइगर हो सकता है, यहाँ पर टाइगर है जो कि जस्ट हमारे पास ही आता जा रहा है। टाइगर इसी तरह से मूवमेंट करते हैं ताकि वो अपने एरिया को मार्क कर सकें। एरिया मार्किंग इसे कहते हैं। वो अपने यूरिन से और क्लो मार्क से अपने एरिया को मार्क करते हैं ताकि कोई दूसरा टाइगर वहाँ पर ना आए, उसके यूरिन की गंध से वो दूर चला जाए। अगर वो आता है तो दोनों टाइगर्स के बीच में फाइट होती है और फिर जो जीतता है उसका वो एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर ये टाइगर इसी तरह से वॉक ले रहा है। ये देखिए टाइगर ने अभी यहाँ पर अपना यूरिन स्प्रे किया, इसी तरह से ये अपनी एरिया मार्किंग करते हैं और ये टाइगर अब अपनी टेरिटरी में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, घने जंगल की ओर। लेकिन अब आगे की ओर रास्ता नहीं है, हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे इसे फॉलो करते हुए। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्रोकोडाइल यहाँ से दिखाई दे रहा है, मुंह फाड़ के यहाँ पे लेटा हुआ है, बहुत पास में इतना सारा। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत सारे। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, बिल्कुल अरे बड़ा बड़ा बड़ा। ये रहा टाइगर, ये रहा, ये रहा, ये घास के यहाँ देखिए, हाँ ये रहा, ये दिख रहा, ये रहा देखो मूवमेंट करेगा। ये रहा, ये देखिए टाइगर आ रहा है यहाँ पे, एक बच्चा भी बैठा उसका यहाँ पे, ये शायद नूरी है। सर ये नूरी है ना, ये नूरी है ना। देखिए यहाँ पर हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि टाइगर दिख रहा है पीछे। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर और सभी यहाँ पर अभी सभी यहाँ पर काफ़ी खुश हैं टाइगर के साथ। उठ गया, ये देखो, देखिए यहाँ पर कितने सारे जिप्सीज हैं, वहाँ तक लाइन से जिप्सीज हैं पूरी, उतने दूर तक, क्योंकि यहाँ टाइगर साइटिंग हुई है। हम बात बहुत ज़्यादा खुश हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में दो शिफ्ट में सफारी होती है, मॉर्निंग व इवनिंग। सफारी का समय लगभग 3 घंटे का होता है। 3 घंटे की सफारी के दौरान हमें सिर्फ एक ही जोन अलॉट किया जाता है। अभी हम जितने भी बाघ देख रहे हैं ये सभी हमने रणथंभौर नेशनल पार्क के कई अलग अलग जोन्स की सफारी के दौरान देखे हैं, जो अभी हम एक साथ देख रहे हैं।
और कई सफारीज के दौरान हमने ये जाना कि टाइगर और अन्य वन्य जीवों की वजह से जंगल है और जंगल की वजह से हम, बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें बाघ और जंगल को बचाना है। इसी जागरूकता को बरकरार रखते हुए हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए रणथंबोर नेशनल पार्क की टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक प्राइजेस के साथ। और बाकी सारी जानकारी भी हमने प्रोवाइड की कि कहाँ से आपको टिकट बोर्डिंग टिकट मिलता है, शिल्पग्राम कहाँ पर है, कितनी दूर है, जहाँ जो कि रणथंबोर नेशनल पार्क का मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है, सारी जानकारी हमने उसमें प्रोवाइड की है। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप इसी तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमने कई सारे नेशनल पार्क्स में विजिट किया है, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, और जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और भी कई सारे हैं जहां पर हमने विजिट किया है और इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज अपलोड किए हैं, जिनके लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप इन वाइल्ड लाइफ सफारी डॉक्यूमेंट्रीज को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी जो सफारी है सक्सेसफुल रही, अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।